हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल के बारे में। तो मटेरियल कंट्रोल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इन्वेंटरी कंट्रोल सिमिलर है थोड़ा सा, थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है बट है मोर और लेस सिमिलर ही। तो अगर आप मटेरियल कंट्रोल अगर आपने करके रखा हुआ है तो इन्वेंटरी कंट्रोल आपके लिए समझना बहुत ही आसान होगा, तुरंत आप समझ जाओगे, राइट? तो इस बारे में हम बात करेंगे बट उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, आपको नोट्स 40% डिस्काउंट पे मिलेगा, आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा हमारे चैनल की तरफ से फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। करना क्या है आपको, सिंपल सा प्रोसेस है। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, उसके बाद ये जो ज्वाइन का बटन है इसके ऊपर क्लिक करके इग्नू बीकॉम में जाने के बाद यहाँ पे ज्वाइन का बटन क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद नीचे में जाना है, मोर अबाउट प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है, और ये जो व्हाट्सएप का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करके आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है जो कि एक्सक्लूसिवली बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। तो बेनिफिट जैसा कि मैंने आपको बताया, असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे 40% डिस्काउंट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे अगर आप बाय करना चाहते हैं, आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7, राइट? इसके अलावा मैं चाहूंगा कि जब भी आप स्टडी करें तो हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करें, प्लेलिस्ट में ढेर सारी वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट को देख करके अगर आप स्टडी करेंगे आपका काम भी बहुत जल्दी से होगा, वीडियोस आपको एक जगह पे मिल जाएंगी और आप एक एक करके वीडियो सबको सुन पाएंगे, देख पाएंगे, जिससे आपके एग्जामिनेशन की तैयारी भी ठीक तरीके से हो पाएगी। तो जब भी स्टडी करें हमारे प्लेलिस्ट में आए और इग्नो बीकॉम न्यू के ऊपर क्लिक करें, ठीक है ना, यहाँ से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल। तो इन्वेंटरी कंट्रोल क्या होता है और इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। सो इन्वेंटरी कंट्रोल इंक्लूड्स कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल, स्टोर सप्लाईज, स्पेयर पार्ट्स, पार्टली फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स, ठीक है ना। तो इन्वेंटरी कंट्रोल का मतलब होता है कि आप कंट्रोल करके रख रहे हो कुछ कुछ चीजों के ऊपर। वो चीजें हैं रॉ मटेरियल, आप रॉ मटेरियल के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो, कब सामान आएगा, कितना सामान आएगा, कब जाएगा, ये सारी चीजें। स्टोर सप्लाई, स्टोर में आपका किस तरीके से सप्लाई होगा, कब सप्लाई होगा। स्पेयर पार्ट्स आप कहाँ पे रखोगे, यहाँ देखो स्पेस पार्ट्स लिखा हुआ है, स्पेस नहीं होता है, स्पेयर होता है ना। स्पेयर पार्ट्स आप कहाँ पे रखोगे, जो पार्टली फिनिश्ड गुड्स हैं, जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनको आपको कहाँ पे स्टोर करके रखना है, किस तरीके से आप उसको बाहर लेकर के जाओगे, कब उसको किसको सप्लाई करना है आपको। तो इन्वेंट्री कंट्रोल में आप स्टॉक के बारे में हर एक चीज की जानकारी रखते हो, कब आएगा, कब जाएगा, वगैरह वगैरह। सो इट इज अ सिस्टम which ensures the required quantity of inventory of the required quantity at the required time with the minimum amount of capital. तो यहाँ पे जो मेन काम होता है, एक तरीके से आप एक सिस्टम क्रिएट करते हो जो कि इंश्योर करता है कि जो भी आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है इन्वेंट्री की वो आप तक पहुंचाई जा सके एट द मिनिमम कॉस्ट ऑफ अमाउंट, है ना। आपका जो है कॉस्ट बहुत ही कम पड़े, सही टाइम पे आपको पहुंच जाए, और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्ट की, रॉ मटेरियल की, वो भी आप तक सही तरीके से पहुंच जाए। सो इस चीज को करने के लिए आप इन्वेंटरी कंट्रोल करते हो। द फंक्शन ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर इज टू ऑब्टेन मैक्सिमम इन्वेंटरी टर्नओवर विद सफिशिएंट स्टॉक टू मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स, है ना। तो जो फंक्शन होता है इन्वेंटरी टर्नओवर का वो यही होता है कि जो मैक्सिमम टर्नओवर, जो इन्वेंटरी है, जो सफिशिएंट स्टॉक है, वो हमेशा जो है मेंटेन बना रहे, ताकि कभी भी जो है ब्रेक डाउन ना हो, डिले ना हो आपके काम को लेकर के। सपोज रॉ मटेरियल नहीं रहा तो आपका काम डिले हो जाएगा, बंद हो जाएगा एक दो दिन के लिए, तो वैसा सिचुएशन कभी भी ना आए, उस बारे में यहाँ पे बात बोली गई है। द क्वांटम ऑफ इन्वेंटरी इज टू कीप The quantum of inventory to be kept to decide after taking into consideration the availability of finance, the quantum of discount allowed, the cost of storage and storage space available. तो जो भी आपकी quantity होनी चाहिए, कितनी quantity आपको आवश्यकता है आपके स्टोर में, इन सब चीजों का जो decision होता है वो बहुत सारी चीजों के ऊपर depend करता है। जैसे कि आपके पास पैसे कितने हैं, availability of finance, आपके पास पैसे कितने हैं, आपके पास जो discounted जो चीजें हैं वो कितना आपको दिया जा रहा है, आपको जो cost of storage है, आप अगर सामान लोगे तो उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, राइट? तो स्टोरेज करने का खर्चा आपको कितना पड़ेगा, है ना, स्टोरेज स्पेस आपके पास है कि नहीं। सो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स ऑन व्हिच द क्वांटिटी ऑफ इन्वेंटरी इज डिपेंडेंट, जिसके वजह से जो है इन्वेंटरी कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये तो भाई मतलब हो गया, ये मीनिंग हो गया इन्वेंटरी कंट्रोल का, कि इन्वेंटरी कंट्रोल क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये सारी चीजों को लिख लोगे। अब आपसे अगर पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर हम इसको मेंटेन करेंगे तो क्यों करेंगे, है ना, तो एक एक करके कर लेते हैं। सबसे पहला है टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इन्वेंट्री फॉर इफिशियंट एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। तो आपका जो प्रोडक्शन है वो इफिशियंटली बिना रुके हमेशा चलता रहे, जिसके लिए आपको इन्वेंट्री कंट्रोल की आवश्यकता
पड़ती है। तो सबसे पहला जो जो रीजन है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि आपका जो काम है, जो प्रोडक्शन है, वो कंटिन्यूअस चलता रहे, जिसके कारण से आपको अनइंटरप्टेड सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ती है। टू नंबर पॉइंट है टू अवॉइड एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री एंड कॉन्सिक्वेंटली रिड्यूसिंग कैरिंग कॉस्ट, है ना। तो आपको जो इन्वेंट्री के ऊपर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, रॉ मटेरियल के ऊपर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ये भी ध्यान देना कि आप ज्यादा उसमें कैपिटल अपना ना गंवा दो, क्योंकि ज्यादा आप अगर स्टोर में करके रख लोगे रॉ मटेरियल, उतनी की आवश्यकता ही नहीं है, तो ज्यादा आपके पास रख के फायदा नहीं है, उससे वेस्टेज भी बढ़ेगा, कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा, हर एक चीज की आवश्यकता जो है जिसकी नहीं होगी वो सारी चीजें होंगी, तो उसको करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अवॉइड करना है कि एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट उसमें ना हो, जितनी आवश्यकता हो सिर्फ उतना ही आप उसमें इन्वेस्ट करें, राइट। अगला पॉइंट है टू कीप सरप्लस एंड एब्सोल्यूट आइटम्स टू द मिनिमम, है ना। तो जो सरप्लस चीजें हैं आपके पास उसको घटा करके रखनी है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही रखो, उससे थोड़ा सा ज्यादा रखो, बहुत ज्यादा मत रखो, तो आपका जो सरप्लस है वो भी मिनिमम लेवल पे रहेगा, और जो एब्सोलेट आइटम्स होंगे, जो आइटम्स आने वाले समय में तुरंत खराब हो जाने वाले हैं, वो भी आप कम रखोगे। जैसे कि आप दूध लेने जाते हो, आप दही लेने जाते हो, तो देखना उसकी जो 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 शेल्फ लाइफ होती है वो 7 दिनों की होती है, तो देखना जो दुकानदार होता है वो भी बहुत ज्यादा दूध नहीं उठाता, बहुत ज्यादा दही का पैकेट नहीं उठाता, क्योंकि उसको पता होता है कि ज्यादा सामान लूंगा अगर नहीं बिका तो शेल्फ लाइफ खराब हो जाएगी, कोई हमसे खरीदेगा नहीं, है ना। तो इस चीज का ध्यान जो है आपको अपने दिमाग में रखना है कि सरप्लस और एब्सोल्यूट आइटम्स को मिनिमम बना करके रखने के लिए आपको इन्वेंटरी कंट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। सो दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव। नाउ द फोर्थ एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव इज टू रिलीव द मैनेजमेंट इन टेकिंग इन्वेंटरी डिसीजंस फॉर वेरियस इन्वेंटरी ऑफ आइटम्स ऑफ इन्वेंटरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो टाइम टू टाइम आपको वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी जो है वो आपको मैनेज करके रखनी पड़ती है। अब इसके जब इन्फॉर्मेशन आप रखोगे अपने पास, तो आप अपने मैनेजमेंट को भी हेल्प कर पाओगे कि कब आपको लेना है, कब नहीं लेना है। तो एक तरीके से मैनेजमेंट जो है इसके ऊपर डिसीजन ले सकता है, अपनी एक पॉलिसी क्रिएट कर सकता है, परचेजिंग पॉलिसी। तो ये जो है बिजनेस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। सो दीज आर द फोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल एंड मीनिंग तो मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।